भी तैयार हो जाएगा। उसका हम लोग प्रपोजल दे रहे हैं, दूसरा ऑफर के लिए भी बात चल रहा है। अब ये मीटिंग है कंपनी का साथ, उसका बात शायद इसमें और भी कुछ ऑप्शन आ सकता है। मगर ये लास्ट का जो तीन ऑफर है उसमें से कोई एक ही मिलेगा और साल का बाद मिलेगा, साल का कंप्लीट होने का बाद मिलेगा। और ये बाकी जो चार ऑफर है ये रनिंग ऑफर है, जैसे पिछले साल घड़ी ऑफर था रनिंग ऑफर, सही ना, जो जब घड़ी ऑफर कंप्लीट कर दिया अगला महीना उसको घड़ी मिली है, वैसे ही बेल्ट ऑफर, टाई ऑफर, बैग ऑफर और ट्रॉली बैग ऑफर, ये रनिंग ऑफर है, मतलब आप जैसे उसको कंप्लीट करोगे आपको मिल जाएगा। और ये सारा चीज लेने के लिए पिछले साल एक बहुत ही अच्छा सिस्टम स्मार्ट वेल अपना स्मार्ट ऑफिस में दे दिए थे, वो है आपका कितना माइल्स हो रहा है या आपका टीम का भी कौन सा बंदा का कितना माइल्स हो रहा है, टोटल जैसे जैसे माइल्स होता है वो ट्रैकर लिस्ट में आपका आ जा रहा है। हाँ, कौन कौन बंदा 100 माइल्स पे था तो अपडेट हो जाता, हाँ सोमवार को अपडेट हो जाता एकदम, जिस दिन फिलिंग हुआ अगला दिन अपडेट हो जाता है, सोमवार भी नहीं रखता वो, एक तो एक दिन में अपडेट कर देता, नेक्स्ट दिन जैसे माइल्स अपडेट होता है इधर अपडेट हो जाता। तो इससे क्या हो रहा है ना, जो भी बंदा चाहे, पहले एक्चुअली हम लोग का कंपनी में डिमांड था कि हमारा टीम में कौन बंदा कितना माइल्स में है हमको पता नहीं चल रहा, सही ना, तो ये ट्रैकिंग बहुत आसान हो गया और उससे पता चल जाता कि मैं 100 माइल्स में हूँ कि 250 माइल्स में हूँ कि 500 माइल्स में हूँ। इस बार तो 50 से शुरू हो जाएगा, जैसे ही 50 माइल कर दोगे आपका नाम आ जाएगा स्मार्ट ऑफिस में, 50 से जैसे ही 125 में चले जाओगे तो दूसरे लेवल में आ जाएगा, 125 करेगा अगर आपका 140 हुआ तो उतना ही दिखाएगा जितना माइल्स आपका एग्जैक्ट हुआ है। तो आप लोग के लिए, हर बंदा के लिए अपने लिए माइल्स करना और आपके टीम के लिए भी माइल्स कराना आसान होगा ना। तो पहला तो नया साल का सबसे पहला जो चीज आ गया वो है रिटेल क्लब ऑफर, इस साल का आ चुका है, ऐसा ना इसका पहला टारगेट जो होना चाहिए, यहाँ पर जितना भी लोग हैं यहाँ पर करीब करीब 160 लोग हैं, सबसे पहला टारगेट होना चाहिए 160 लोग को, बाकी ऑफर में छोड़ देता हूँ, कम से कम 365 माइल तो 100% कंप्लीट करना, कितना लोग 365 माइल कंप्लीट करेंगे पूरा कॉन्फिडेंस का साथ करेंगे, हम 100% हो जाएगा सबका। टारगेट आपको लेना है कि कितना दिन में कंप्लीट है, मगर कम से कम 365 माइल्स तो होना चाहिए ना, ये पहला टारगेट। अब इसी के ऊपर दूसरा चीज कंपनी ने लेके आया वो है हमारा न्यू रिकॉग्निशन लेवल। जब ये चीज आया था तो मेरे पास कम से कम 20 से 25 फोन आया कि दादा ये दिखा रहा है क्या क्या सब चीज आ गया है, तो पुराना सुपर स्मार्ट का क्या होगा, सिल्वर का क्या होगा, गोल्ड का क्या होगा, क्योंकि अभी नया लेवल आ चुका है एलिट सुपर स्मार्ट, एलिट सिल्वर, एलिट गोल्ड, ये सब ना ये नया आया, और इसका मतलब नहीं कि पुराना खत्म हो गया, पुराना रिकॉग्निशन लेवल जैसा था वैसा ही है, क्लियर हो रहा है, कभी भी ये कंफ्यूज मत हो जाना, हाँ कि पुराना रिकॉग्निशन लेवल जो था ना, हाँ वो नहीं है, नहीं वो जैसा था वैसा ही है, मगर नया रिकॉग्निशन लेवल आ गया। इससे फायदा क्या हुआ, कल ही मैं बोल रहा था तो एक आदमी चौंक गया, पहला फायदा यही हुआ कि सुपर स्मार्ट होने के लिए कितना डिग्री चाहिए होता है, कितना 72, तो 72 डिग्री में हम सुपर स्मार्ट बनते थे, हाँ अभी हम लोग 54 डिग्री में बन सकते हैं,
कितना मिलेगा? 54 में। थोड़ा ताजे पर क्या है? हाँ, 74 में लेकर गया। कितना में हम स्मार्ट स्मार्ट बन सकते हैं? 54 में कैसे बन सकते हैं? क्योंकि अभी तो आ गया हमारा सुपर स्मार्ट बनने का एक नया तरीका, इसको हम लोग बोलते हैं एलिक सुपर स्मार्ट। क्या सुपर स्मार्ट? एलिक सुपर स्मार्ट। नॉर्मल सुपर स्मार्ट बनेंगे तो हमारा क्या मिलेगा? नाम चलाएगा तो वेबसाइट में सुपर स्मार्ट बन गया बोल के पिन मिल जाएगा, सर्टिफिकेट मिल जाएगा, ये समझ लो। मगर कुछ गिफ्ट वगैरह मिलता है? एक न्यू सुपर स्मार्ट का एक गिफ्ट है, वाले बात है, ठीक ना। मगर जैसे ही आप एलिट सुपर स्मार्ट बनोगे तो उसके लिए, या एलिट सिल्वर बनोगे, एलिट गोल्ड बनोगे, तो जो भी बोनस जो भी चीज है सारा चीज मिलेगा, उसका साथ हर लेवल में एक नया गिफ्ट मिलना चाहिए। मगर ये एलिट लेवल के लिए कंडीशन क्या है? एलिट सुपर स्मार्ट जो पहला लेवल है, इसके लिए पहला कंडीशन यही है कि उसको खुद को 365 माइल कंप्लीट करना है। कितना माइल? 365। अभी आप लोग शपथ ले लीजिए कि 365 खुद के लिए करेंगे। इसमें टेंशन है? नहीं ना। क्योंकि अगर खुद नहीं करेंगे तो आपका टीम से कितना भी लोग करें, आप कोई एलिट नहीं बन पाएंगे। एकदम सिंपल लेवल है, क्योंकि हम खुद नहीं करेंगे और सब हमारा टीम वाले करेगा, तो मुझे मिलना चाहिए क्या? तो पहला चीज यह है कि एलिट सुपर स्मार्ट के लिए खुद का 365 माइल होना चाहिए और अपना टीम से रेशियो मेंटेन करके कम से कम 4 लोगों को, कितना लोगों को? 4 लोगों को 365 माइल कंप्लीट करना है। अब यहां पर तो 1:2 नहीं हो पाएगा, 1:1 ही होगा, क्योंकि दो इधर दो उधर। अब 4 बंदा 365 माइल कर दिया और मैं खुद 365 माइल कर दिया, सही ना। 5 आदमी अगर 365 माइल करते हैं तो लगभग 18 डिग्री हो जाता है। कितना डिग्री? 18 डिग्री कंप्लीट हो जाता है, ये सब ना। तो 72 में से 18 को माइनस कर दो, 54। तो कितना डिग्री में इस बार हम लोग सुपर स्मार्ट बन जाएंगे? 44। क्लियर हो रहा है? यस। ऐसे ही हर लेवल में अगर आपको एलिट सिल्वर बनना है तो एलिट सिल्वर के लिए आपको 7 लोगों को बनाना होगा 365 माइल। उससे आप ज्यादा बना सकते हैं, कम से कम उतना। हाँ, उससे ज्यादा आप उसमें से 2-4 बंदा को अगर आप 1200 करा दिए तो और आसान हो जाएगा आपके लिए। तो कम से कम 365 माइल 7 बंदा को कंप्लीट कराना है, खुद का 365 माइल कराना है, समझ में आ रहा? तो 8 आदमी अगर ऐसे करेगा तो लगभग लगभग आपका 28 डिग्री कम हो जाएगा, 28 डिग्री कम हो जाएगा, समझ में आ रहा है? हाँ, तो आपका हो सकता है जो 144 चाहिए था, हाँ, उसका जगह आपका काफी कम हो जाएगा, 116 ऐसा कुछ आ जाएगा। तो हर लेवल में जाने के लिए जगह इजी बन जा रहा है, मगर ये तभी हो पाएगा जब आप लोग ज्वाइनिंग एंड रिटेलिंग ये दोनों को बैलेंस करोगे, ये समझ में आ रहा है? गोल्ड के लिए वैसे ही है, आपका गोल्ड लेवल के लिए है 14 बंदा को आपको बनाना पड़ेगा। तो इस हिसाब से एक नया रिकॉग्निशन लेवल आ गया, मगर इसमें यह कंफ्यूज मत हो कि पुराना वाला नहीं है, पुराना वाला है। अगर आप 1 माइल भी नहीं करते हैं तो भी आप सिल्वर गोल्ड सब कुछ बन सकते हैं, समझ में आ रहा? और आपको बोनस नहीं मिलेगा, टेंशन लेने का बात नहीं है। मगर अभी का जो बिजनेस है, अभी का बिजनेस में अगर हम लोग रिटेलिंग और ज्वाइनिंग दोनों का मिक्सिंग नहीं करेंगे तो जंप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारा बहुत सारा विंग आ चुका है। उसमें से हमारा स्मार्ट वैल्यू का पहला विंग था एडुकेशन। आज भी अगर स्मार्ट वैल्यू को लोग पहचानते हैं तो एडुकेशन के लिए पहचानते हैं। एडुकेशन के बाद दूसरा विंग आया था हमारा हेल्थ में बहुत जबरदस्त काम हो रहा है। तीसरा विंग हमारा आया था डेली यूजेबल प्रोडक्ट, लाइफ स्टाइल प्रोडक्ट, सही ना। चौथा हमारा पास आ गया था एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर भी बहुत ही जबरदस्त चल रहा है। फिफ्थ एक नया सेगमेंट में हम लोग आ चुके हैं, वो है लेडीज
ड्यूटी क्या है उसके लिए पहला हमारा पास ऑलरेडी आ चुका था फेशियल किट नॉनी का सही ना हर्बल फेशियल किट जिसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है दूसरा हमारा पास आ चुका था स्किन केयर का क्लींजर टोनर मॉइस्चराइजर हाँ एंटी एजिंग क्रीम हाँ अंडर आई तो फेस पैक ये टोटल चीज हमारा पास जो आ गया तो हमारा सेकंड चीज आ गया था आप नया साल में जो प्लान बन रहा है नया जो चीज आने वाला है वो है हमारा मेकअप किट लेडीज लोग के लिए आने जा रहा है मेकअप किट मतलब जिसमें आपका फाउंडेशन रहेगा हाँ पाउडर रहेगा आपका काजल रहेगा आपका ब्रश वगैरह रहेगा लिपस्टिक रहेगा नेल पॉलिश रहेगा ऐसा बहुत सारा चीज पूरा एक किट का समझ में आ रहा है तो ये नया सेगमेंट और इस सेगमेंट में और भी बहुत सारा चीज लेके काम हो रहा है क्योंकि अलग से लेडीज सेगमेंट का बहुत सारा चीज लेके हम लोग काम प्लानिंग शुरू कर दिए क्योंकि हर जगह पे आज देखा जा रहा है कभी भी कोई कहीं पे भी कोई भी प्रोग्राम होता है तो लड़कों से लड़की भारी पड़ता है आज भी यहाँ पर जो देख रहा हूँ मैं लड़कों से लड़की ज्यादा है कि नहीं है हाँ तो वुमेन्स पावर जो है ये हर जगह दिखाई दे रहा है सही ना तो इसके लिए इस साल में लेडीज के लिए और भी बहुत सारा प्रोडक्ट आने का प्लानिंग बन चुका है ऑलरेडी वो आने वाला है नेक्स्ट इस साल का एक सबसे इंपॉर्टेंट जो प्लानिंग बन रहा है वो है हमारा 25 ईयर सेलिब्रेशन प्रोग्राम